नमस्कार आपको सभी को। आज 14 अगस्त 2021 है। 18 तारीख को चयनित शिक्षक संघ का आंदोलन है, इसे भूलना नहीं है। ये अब देखिए, पहले ये खबर है जिसमें एक झुंझुना दिया जा रहा है, पढ़ रहा हूँ। चयनित शिक्षकों को इस महीने मिल सकते हैं नियुक्ति आदेश। अब ये कितना बड़ा झुंझुना है उसको मैं एक स्लाइड में आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है शिक्षा मंत्री और इन्होंने इतनी बार बोल चुके हैं कि जल्द ही नियुक्ति होगी, जल्द ही नियुक्ति होगी, जल्द ही नियुक्ति होगी। इस खबर को मैं पढ़ दूँ, थोड़ा बहुत मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको मोटा मोटी पता चल जाए ये खबर क्या है। और ये 2 रुपए की न्यूज़ नहीं है, ऐसा कतई नहीं होने वाला। दूर दूर तक आपके बहुत मुश्किल है चांसेस कि आपको मिल पाए। पहली बात, 15 अगस्त कल है और अब मुझे नहीं लगता कि आज शाम तक आपको कोई खबर नहीं मिलेगी। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि जो इसमें अपने जो चयनित शिक्षक संघ के एक वर्जन छपा है अमित गौतम का, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है कि 18 अगस्त को प्रदेश भर में आने वाले हैं, पूरा प्लान उन्होंने बता दिया है। तो अब यहाँ से आपको एक ये प्लस पॉइंट है कि आप किसी भी तरह का वायलेंस करते हैं, किसी भी तरह का आप आंदोलन करते हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। खबर पर रुक करते हैं। तो उन्होंने कहा है, पिछले आंदोलन का आमदा चयनित शिक्षकों ने इसी महीने के अंत में नियुक्ति आदेश मिल सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। झूठ। मंगलवार को इन चयनित शिक्षकों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। विभाग इसी का इंतजार कर रहा है। महाझूठ। विभाग कतई नहीं कर रहा है। अगर विभाग चाहे तो कभी भी नियुक्ति कर सकता है। विभाग ने पिछले महीने कह दिया था कि आप ओबीसी को हटाकर 13% जो विवादित है 87% पर आरक्षण दो। और इस समय जो चयनित शिक्षक है संघ है, उसकी प्योर मांग है अविवादित पदों पर नियुक्ति दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आगे सुनवाई तय होगी, उस लिहाज से विभाग आदेश जारी करेगा। नियुक्ति में ओबीसी कोर्ट को लेकर आ रही अड़चन के मामले में फेरी तौर पर समाधान निकाल लिया गया है। ठीक है, आगे लिखा है, चयनित शिक्षकों ने 5 दिन पहले आयुक्त लोक दफ्तर में प्रदर्शन किया था। इस दौरान अधिकारियों की बातचीत में इन शिक्षकों के अपने इरादे भी जाहिर कर दिए थे। चयनित शिक्षक संघ अमित गौतम के इरादे भी जाहिर कर दिए थे। उन्होंने अल्टीमेशन दिया था कि 15 अगस्त तक नियुक्ति के आदेश नहीं होते तो 18 अगस्त को प्रदेश भर में चयनित शिक्षकों में राजधानी आकर प्रदर्शन करेंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर दे रहा हूँ, आने वाले समय में आप इस तरह की खबरें और देखेंगे। 15-16 को छपता नहीं है पेपर, 17 को भी आप इस तरह की खबरें देखेंगे। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, इस समय जो शिवराज सिंह चौहान की स्थिति है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, मतलब खासतौर से प्रभावी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बहुत दबाव में है ना। एक तरह से वो गठबंधन सरकार चला रहे हैं इस समय, क्लियर है। जितने भी नेता हैं तो अब उनकी बात निकल गई जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में लिया गया है। तो यहाँ पर हम और देख लेते हैं, कुछ पदों पर भर्ती नहीं होगी। ये आप जो ये लाइन लिखी है, कुछ पदों पर भर्ती नहीं होगी, ये आप समझिए, ये कोई बड़ी लाइन नहीं लिखी, ये पहले से तय था कि भाई कुछ पदों पर नियुक्ति नहीं होगी, है ना। और तो मैं केवल यही कहना चाह रहा हूँ भाई, आप मेंटली इससे आप पूछते हो, एक्चुअल में जो 20% लोग होते हैं जिनकी इच्छा नहीं होती, वो इसका सहारा ले लेते हैं कि मंगलवार को कुछ होगा। आप अपनी तैयारी जारी रखो, 18 तारीख को आंदोलन करना ही पड़ेगा, उसके बाद नियुक्ति की संभावना बढ़ेगी। अच्छा, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात ये और कहना चाहता हूँ, आपको 18 तारीख के बाद असीमित रूप से आंदोलन करना पड़ेगा, जैसे कभी SSC के लिए किया गया था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब और तेज आपको ये पावरफुल न्यूज़ है, अब आप और तेज संघर्ष करो अगर ये खबर है।